हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग बढ़िया ही रही है, मैं तो बढ़िया नहीं हूँ ज़्यादा। एक्चुअली रिकवर तो हो रही हूँ धीरे धीरे, पर ये एलोपैथी मेडिसिंस है ना, वो मेरे से टॉलरेट नहीं होती है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं मेरी शक्ल क्या हो चुकी है हालत। मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं रक्षाबंधन पे आपको काफ़ी कुछ सिखाऊंगी जो मुझे आता है। मैं रक्षाबंधन के लिए लुक भी क्रिएट करना चाह रही थी, तो फिलहाल अभी तो बहुत टाइम है, देखते हैं। अगर मैं ठीक हो जाती हूँ तो फिर मैं जल्दी जल्दी काम करके आप लोगों के लिए लाऊंगी। बाकी मेरी जितनी प्रीवियस है मैं अपडेट करती रहूँगी वीडियो। अगर कुछ नहीं ला पाती हूँ तो प्लीज़ आप लोग बस साथ मत छोड़िएगा, वेट करिएगा। मैं बहुत जल्दी रिकवर होके वापस से आपके लिए वीडियो लाऊंगी अच्छी अच्छी। बस आप लोग प्रे करिए ताकि मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊँ, क्योंकि मेरी वजह से ये भी साहब भी बहुत परेशान हो रहे हैं, कब तक छुट्टी लेंगे मेरे लिए। पर लेनी पड़ रही है क्योंकि बेटी छोटी है, गोपाल है पर वो भी बच्चा है, क्या करेगा वो। और मम्मी पापा है नहीं, मम्मी पापा थे तो बहुत सपोर्ट था, मम्मी के पास चले जाते थे। बहुत याद आती है इस टाइम पे मम्मी पापा की। लास्ट में जब 12th में थी तब मुझे ऐसे फीवर आया था, टाइफाइड मलेरिया सब हो गया था, तो मुझे पता है कि रात रात भर मम्मी पापा कैसे जग के मेरे लिए मतलब प्रे करते थे, मेरी सेवा करते थे। आज वो नहीं है तो इतनी याद आ रही है ना उनकी कि मतलब ठीक है, मम्मी की गोदी में सर रख के जो वो हाथ फेर देती है ना, या पापा जो हाथ रख देते हैं उसकी, तो उस दुआ से बड़ी दवा तो कोई है ही नहीं दोस्तों। बस लेटी रहती हूँ, बहुत याद आती है उनकी। आप देख रहे हैं मेरी हालत, पर कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्दी रिकवर होऊंगी। आप लोगों से बात करके अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो रहा है। तो बस मुझे लगा कि मैं आपको अपडेट कर दूं, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डेड इतना शूट मतलब इतने वीडियोस तो नहीं है कि मैं डालती रहूं। और आपको भी पता होना चाहिए ना कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा फीवर मतलब बॉडी पेन तो इतनी ज़्यादा हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि जगह जगह बस सुइयां सी चुभ रही हैं। मैंने ब्लड टेस्ट करा लिया था, आज रिपोर्ट भी आ गई, ना मुझे टाइफाइड है ना मुझे मलेरिया है, थैंक गॉड कि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, बस वायरल है। और मुझे फर्स्ट टाइम वायरल हुआ है ना, तो मुझसे बस झेला नहीं जा रहा है। आप आँखें देख रहे हैं मेरी, बस ये पूरी आँखें सर इतना ज़्यादा भारी हो रखा है ना कि क्या बताऊँ आपको। और सबसे ज़्यादा ना मेरी सिद्धि परेशान हो जाती है, उतनी बोलते ना बेटियाँ बहुत समझदार होती, वो बार बार आती है मेरे पास कि मम्मा क्यों लेटी हैं, आती है मुझे बाम दे देती है कि ये लगा लो। और कुछ खाते हैं सब लोग तो देखती है मम्मा नहीं खा रही है तो आके मुझे खिलाती है, इतना अच्छा फील होता है ना कि मतलब हाँ मेरी मम्मी चली गई पर एक दूसरा एक अलग बॉन्ड है मेरे पास, उसी की वजह से मैं संभली हुई हूँ, नहीं तो पता नहीं कितना टूट जाती। ये देखिए साहब कैसे सिद्धि के साथ इन्वॉल्व हैं ताकि सिद्धि का मन लगा रहे, देख रहे हैं आप। सिद्धि, सिद्धि बोलो हेलो, हेलो हेलो बोलो सबको। अच्छा अच्छा अच्छा, पापा को ढूंढ के आओ, पापा कहाँ गए सिद्धि, पापा को ढूंढ के आओ जल्दी से, जल्दी जाओ। अच्छा बाय कर लो सबसे, बाय 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 कर लो। अब देख रहे हैं ना कि मेरे बच्चे का मुंह कितना नेक सा रह गया। हाँ बच्ची, बच्चा कहाँ है, बच्चा ये बच्चा, सबको फ्लाइंग किस दे दो बेबी, और टंग दिखा दो सबको जल्दी से। अच्छा सबको बोलो आई लव यू अब्बा,
अब जाओ, बाय बाय कर लो, बाय बोलो, बाय एवरीवन, जाओ बच्चा जाओ। अच्छा बच्चा, पापा छुप गए, देखो पापा को ढूंढ के आओ जल्दी से। शिति पापा को ढूंढो। आप देख रहे हैं ना, सिद्धि बस ऐसे ही इन्वॉल्व रहती है। क्या करें, बच्चा है छोटा, मैं खेलती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ एक्टिविटी। मैं थोड़ा दूर रहती हूँ ना बच्चे की वजह से, और सबकी वजह से भी, क्यों सबको प्रॉब्लम, मैं तो झेल ही रही हूँ। वैसे ही जॉइंट फैमिली का एक यही तो फ़ायदा होता है। ठीक है, मेरी किस्मत में नहीं है तो नहीं है, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो और भी कई रास्ते खोलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, आप अपना प्यार बनाए रखिए, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ठीक हो के और बहुत ही अच्छे मूड में वापस से आऊँगी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके। ओके बाय बाय।